जी, मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले रहेगा कि मैं अपने जिला करनाल को पूर्णतया अपराध मुक्त बनाऊं। दूसरी चीज है, यहाँ पर नशे की समस्या का पूर्णतया उन्मूलन किया जाएगा। महिलाओं तथा बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी तथा जो पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं बिल्कुल पुख्ता से पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे ताकि चुनाव निष्पक्ष तथा एज पर ला एज पर मैंडेट संपूर्ण हो सके। सर, अक्सर करनाल में देखने को मिलता है कि जो 420 के केस हैं, खासतौर पर विदेश जाने के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है वो अक्सर देखने को मिलती है, तो उसके लिए आपका कुछ प्रयास या कुछ आपके माइंड में? कबूतरबाजों के साथ बहुत सख्ती से निपटा है सर। इंटरनेट के थ्रू भी जो ब्लैकमेलिंग की जाती है अक्सर देखा जाता है, चाहे वो फीमेल्स हैं बाकी भी हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है, उस पर कुछ किया नहीं जाता है सर? मैम, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हम पुलिस की जो सेवाएं हैं उनको आपके समक्ष बेहतर तरीके से रखेंगे, आपके लिए शिकायत नहीं है। सर, औपचारिकता क्या रहेगी? जैसे आप आज पहले से आज बैठे हैं सीट पर, क्या औपचारिकता रहेगी? औपचारिकता तो ज्वाइनिंग की होती है, वो हमने पूरी कर दी है, बाकी तो आप मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सर, क्या ये आशा की जा सके शायद आप तक वो लोग न पहुंचे, थाने तक हो जाएगा? बिल्कुल, जो पुलिस सेवा है, जो जन सेवा है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि करनाल की जनता पुलिस की सराहना करे, इस प्रकार का हम अपना कार्य। सर, चोरी की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही शहर में, तो उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? पेट्रोलिंग जो है बढ़ानी जो है वो बढ़ाएंगे या और भी कुछ इसके लिए करेंगे? इसके लिए एक हम पुख्ता प्लान बनाएंगे, मैं इसके बारे में अभी जी उसके साथ चर्चा ही कर रहा था और बहुत जल्दी आपको फर्क देखने को मिलेगा। सर, एक कॉलेजों के बाहर हुड़दंगबाजी रहती है, बुलेट पर जो लड़के हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष? देखिए, जैसे मैंने अपनी प्राथमिकताओं में बताया, महिला तथा बच्चे, इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और आपको जल्द ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो हुड़दंगबाज हैं या जो बुलेट पे मोटरसाइकिल बुलेट के ऊपर पटाखे बजाते हुए चलते हैं, इस प्रकार की या जो कोई लोफर किस्म के लोग हैं वो सावधान हो जाए, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पुराना बस स्टैंड है, वहां पर ई रिक्शा काफी ज्यादा जो है वो अलग तरीके से लगी होती है, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो ऐसी समस्या शहर में बहुत है। ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब है, तो उसको लेकर सर किस तरीके से? इसके बारे में दौरा किया जाएगा और मेरे उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके आगामी कार्रवाई की। सर, होली नजदीक है और क्राइम भी उसमें बढ़ता है काफी, देखा अभी पीछे भी उसमें महाशिवरात्रि पे एक क्राइम हुआ था, बच्चे को चाकू मार दिया गया था, तो होली के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? होली शांतिपूर्वक तरीके से खेली जाए और लोगों में सौहार्द का माहौल बना रहे, इसके लिए हम अपने इंतजाम पूरे। सर, होली पर इस बारे में होली पर्व के बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या रहा नशे को लेकर? जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है उसमें करनाल जिले को नशा मुक्त करना है और आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम। आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? होली संदेश, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो पुलिस की आंख और कान है और पुलिस का सहयोग करेंगे, एक कदम पब्लिक आएगी 100 कदम पुलिस चलेगी और मैं पूरी करनाल की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित हूं, 24 घंटे हाजिर हूं और ऐसा माहौल दूंगा, यहां पर ऐसा सुरक्षित माहौल दूंगा कि किसी व्यक्ति को किसी किस्म की दिक्कत ना आए। सर, शहर में रोड एक्सीडेंट हुई काफी, ये डेटा एनालाइज करूंगा मैं, यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा और उसके बाद ही मैं आपके समक्ष। सर, करनाल की आम पब्लिक कैसे आपसे जुड़ पाए, उसके लिए कुछ ऐसा कोई नंबर जारी करेंगे या कुछ ऐसा? मेरा जो सरकारी ऑफिशियल नंबर है 24 घंटे के लिए खुला है, मेरा जो ऑफिस है जब कोई मिलना चाहे मिलने आ सकता है, अथवा मैं जहां रहूंगा वो जगह बता दी जाएगी, मुझसे मिलने के लिए कोई टाइम बार नहीं है, यदि मैं उपलब्ध हूँ आपके समक्ष हूँ तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया सर।